सभी को आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। सभी जानते हैं और कह सकते हैं अभी काफी चर्चित में है ऑल नीसी यूथ और जो एसोसिएशन है उसका बनकोल को लेकर जो 36 आवर का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। वैसे तो गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके तरफ से इलीगल ठहरा दिया गया है वो जो बनकोल है, और साथ ही साथ काफी कल जो गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन बामंग फेलिक्स के द्वारा क्लेरिफिकेशन दिया गया था जितना भी एलिगेशन उन्हें लगाया गया था सीएम खांडू को आनिया के द्वारा। लेकिन अभी भी काफी सवाल है जो सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि सीएम खांडू क्यों चुप है अपने जो एलिगेशन आनिया के द्वारा लगाया गया था। तो इस वक्त हमारे साथ सीएम खांडू खुद ही है, तो उनसे हम सीधे जानते हैं कि सर क्यों अभी तक प्रेस ब्रीफिंग या फिर उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। तो सर हम सीधे सवाल रखेंगे क्योंकि जो एलिगेशन लगाया गया था आनिया की तरफ से कल स्पोक पर्सन बामा फेलिक्स ने तो दिया है क्लेरिफिकेशन, लेकिन अभी तक कोई जो कॉल ऑफ का बात नहीं आया। कल से 36 आवर्स का बंद है और जैसे आप खुद जानते हैं कि अभी कोरोना फिर से चालू हो चुका है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो सर आपकी तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा और क्या कहना चाहेंगे आनिया टीम को? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपका चैनल के माध्यम से अरुणाचल के सभी जनता को कि सरकार में बैठने के बाद बहुत सारा एलिगेशंस भी होता है और बहुत सारा जानकारी भी चाहिए होता है। ये अच्छा बात है कि सरकार को जवाबदारी होना चाहिए, मगर उसमें भी एक नियम होता है कि अगर सीएम को अगर कुछ टारगेट करते हैं तो क्लेरिफिकेशन सीएम देना बोल के ज़रूरी नहीं होता है, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन इसलिए बनाया जाता है। तो एनीवे ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मगर अभी मेन जो मुद्दा है आनिया ने जो 36 आवर्स जो बन कॉल दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो दैट इज़ 13 जनवरी ऑनवर्स, तो इसमें मैं अपना जनता को यही कहना चाहेगा कि अभी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से भी सभी को पता लग गया होगा कि नंबर वन तो ये किसी भी कॉम्युनल कलर इसमें बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया में मैं देखा था कि कोई लोग निशी का बारे में चर्चा कर रहे हैं और विद इन द निशी का भी अपना काफ़ी चर्चा हो रहा है, मगर इसमें सबसे पहले तो ये किसी कॉम्युनल बेस्ड बनकोल नहीं है और इस बनकोल को क्योंकि आनिया जो है एनईएस का एक पार्ट है तो इसलिए एनईएस भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये उन लोगों का इसमें बैकिंग नहीं है, एनईएस का भी बैकिंग नहीं है। और साथ साथ आपने जितने भी जो ऑनरेबल एमएलएस या मिनिस्टर्स निशी समाज का है उन लोग ने भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया बोल के हमको बताया कि इस तरह से वो लोग भी अपील किया कि इस तरह से बन कल्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को बन कल्चर को ही बंद करना होगा, क्योंकि बन कल्चर से नुकसान होता है, अपना आम जनता का बहुत नुकसान होता है। तो कुछ भी होता है हम लोग हमेशा बात करने के लिए, ये सरकार तो बहुत ही इंक्लूसिव सरकार है, सबका सुनता भी है और इस इशू को लेके हमारा ऑफिस से उन लोगों को इनवाइट भी किया था आनिया को कि आप आके हमारा जो स्पोक्स पर्सन है बामंग फेलिक्स जी का साथ में बात कीजिए, रिप्लाई भी रेडी है, मगर वो लोग का पहुँच नहीं पाया। इसका बावजूद भी होम मिनिस्टर साहब ने बहुत बार उन लोगों को फ़ोन करके किसी भी दिन आपको आना है, आप लोग मोस्ट वेलकम, 24 आवर्स उसका ऑफिस या घर का दरवाज़ा खुला है, इनवाइट भी काफ़ी बार किया ओवर फोन, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इन्विटेशन भी वो लोग बात को सुनने के लिए आया नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग ने बंद को डिक्लेयर कर दिया है, मगर इसमें मैं ये कहना चाहेगा कि आनिया तो एक अपना एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ जस्ट इन प्लेटफॉर्म, पीछे में जो है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो अभी जो ईटानगर नाहरलगन में जो बदमाशी करेगा दे आर ऑल पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। तो इसमें अभी देखिए कि इस चीज़ को ऑलरेडी अपना होम डिपार्टमेंट अच्छे से नज़र रख रहा है कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है नहीं है, तो इसको सिचुएशन को हम लोग सरकार की ओर से हम लोग अच्छा से हम टैकल करेंगे। मेरा ये अनुरोध रहेगा कि इस बंद कॉल को चलते हुए पब्लिक को बिल्कुल इस बंद कॉल में शामिल नहीं होना है, बंद कॉल को साथ नहीं देना है, क्योंकि देखिए कुछ भी जो एलिगेशंस जो लगाया है तो आजकल तो डिलीवरी सिस्टम ऑफ जस्टिस जो अपना हाई कोर्ट भी है सुप्रीम कोर्ट भी है, कुछ भी एलिगेशंस होता है आप वहाँ जाके फाइट करने से हो गया, तो अभी आप बंद कॉल करेगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट करेगा, पब्लिक को हैरेसमेंट होगा मारपीट होगा, तो इसमें अभी कौन इसमें विजेता होता है? हम सब लोग इसमें फेलियर होता है, बंद कॉलर्स करने वाला भी फेलियर होता है, गवर्नमेंट तो नुकसान तो उठाना ही है और सबसे तकलीफ जो अपना आम जनता उन लोगों को बहुत तकलीफ मिलता है। सो इसलिए बंद कल्चर जो है वो अच्छा बात नहीं है। अभी भी
सरकार की ओर से हम लोग अभी भी इनवाइट करते हैं अन्य या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो बंद कॉल में इंटरेस्टेड रखता है, एनी टाइम आप लोग होम मिनिस्टर बामा फिलिप्स जी को कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनका सब पास में रिप्लाई भी सारा रेडी है, तो अभी भी टाइम है। मैं तो अपनी ओर से यही अपील करूँगा। जी सर, कानू सर आपसे हम ये बात करना, जैसे आपने कहा कि अभी भी रेडी है गवर्नमेंट बात करने के लिए, लेकिन सर लास्ट प्रेस ब्रीफिंग जब अन्य की तरफ से दिया गया था अरुणाचल प्रेस क्लब में, उनके तरफ से जो ब्यावंग जोरम के हमने सवाल रखा था कि अगर अब बात करने के लिए रेडी रहता है गवर्नमेंट तो आनिया बंद कॉल कॉल ऑफ करेगी क्या, तो उनका ये था कि अभी बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको रेजिग्नेशन देना है तभी कॉल ऑफ होगा, तो इस पर आपका क्या कहना होगा सर? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस लोकतंत्र में, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस ऐसे नहीं होते कि सीएम को रिज़ाइन करो या दूसरा सीएम आप कर लो बोल के, ये कोई बच्चा का खेल नहीं है। तो ये बड़ा ही इमेच्योरिटी का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। गवर्नमेंट है, अपना परेशानी होगा, सबका परेशानी होगा, गवर्नमेंट तो सुनने वाला है और जितना तक डिलीवरी कर पाएगा गवर्नमेंट हम लोग कोशिश कर रहा है, मगर कुछ भी रीज़न नहीं हो कि आप रिज़ाइन करो, इतना दिन का वक्त देगा, आप स्टेप डाउन करो बोल के जो एलिगेशन जो लगाता है वो टोटली गलत है। अगर उसका एलिगेशन में उतना ही अगर सीरियसनेस है तो मैं अभी भी बोलता हूँ नॉट ओनली अन्य जो भी अपना एक जो इंडिविजुअल होता है वो लोग भी कोर्ट में जा सकता है, वो कोर्ट में हमको घिसित सकता है। जी सर, आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पॉलिटिकली थोड़ा मोटिवेटेड या नहीं है इस तरीके का लग रहा है, लेकिन उनके तरफ से कहा गया है कि पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, तो सर आपको क्या लगता है अगर ये पॉलिटिकली मतलब मोटिवेटेड अगर कुछ है तो सर कौन हो सकता है पीछे, अगर आपको कुछ पता है या कुछ कहना चाहे तो सर? इसको ऊपर में देखिए, अभी हम क्लियर कट अभी तो हम स्टेटमेंट देना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक बार बंद कॉल होने का बाद ही क्लियर कट, क्योंकि कुछ बोलने से पहले आपको कुछ पुख्ता सबूत भी चाहिए होते हैं, तो बंद कॉल के बाद पता चलेंगे कि इसमें क्लियर कट बिहाइंड दिस स्क्रीन कौन कौन है वहाँ पे। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।